ये देखो बर्फ अभी अभी पड़ी है, ये बर्फ मतलब पहले क्या व्यू दिख रहा है यहाँ से। तो उठ गया हूँ मैं नींद से, तो आगे सो गया था तो फ्रेश फ्रेश हो गया हूँ, नहावा लिया है, ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। तो यहाँ से निकलते हैं अब सोनमर्ग के लिए, तो मिलते हैं आपको रास्ते में। तो चलो फिर, हो जाओ लैस वैस। तो आ गया टाइम हाउस बोट को गुड बाय बोलने का, तो ये था हमारा हाउस बोट। तो चलो निकलते हैं यहाँ से अब घर के लिए। ए मेरे बीरो, तो टाटा करने का टाइम आ गया, इसको बाय बाय करने का। डल लेक को करते हैं बाय बाय। तो अब निकलेंगे सोनमर्ग के लिए, तो दिखाता हूँ आपको रास्ते में। तो फिलहाल मैं यहाँ से निकलता हूँ, यहाँ से थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, यहाँ से जल्दी जल्दी निकलूँगा, तो मिलता हूँ आपसे रास्ते में। तो अभी पहुँच गया मैं जामा मस्जिद के पास, तो ये अभी बंद ही है, अभी खुली नहीं है। लेस ओ लेस अगर टाइम मिलेगा तो मैं इस साइड से दोबारा आया तो मैं आपको दिखाऊंगा पूरी, बहुत ही शानदार। तो गांधरबल कर लिया है हमने क्रॉस, तो बाजार से आगे आगे। तो अभी यहाँ से शायद बचा है कोई 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। पहुंच गए हम कल वाले ब्रिज पे, आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, वो वहां बैठे थे नीचे साइड पे, वहां जगह है बैठने की और यहाँ राफ्टिंग होती है। और ये ब्रिज है सिंगल, एक साइड से गाड़ियां जा रही होती हैं तो दूसरी साइड वाली रुकी होती हैं, वो लाइन में रुकी थी। और सामने देखो वादियां। तो ये शुरू हो गया रोड लेह लद्दाख वाला, तो यहां से सोनमर्ग है 54 किलोमीटर। देखो कितनी खूबसूरत वैली है, तो यहाँ मैं रुका आपको दिखाने के लिए और खुद भी देखने के लिए। ये देखो कितना खूबसूरत, कितना प्यारा गांव, ये देखो कितना प्यारा गांव है। तो अभी सोनमर्ग है यहाँ से कोई 32 किलोमीटर, तो चलो निकलते हैं आगे के लिए। सोनमर्ग यहाँ से रह गया टोटल 13 किलोमीटर। और वादियों की खुशबुएं आ रही हैं लैस ओ लैस करके। ओए होए होए होए, व्यू चेक करो, अब मेरे बोलने से कुछ नहीं बनेगा, आप खुद देख लो बस। मैं बोलूंगा कुछ नहीं क्योंकि अल्फाज है नहीं जो ये खूबसूरती बयां कर सकें, तो बस लैस ओ लैस आप इंजॉय करो। वो देखो सामने बर्फ ही बर्फ है, बर्फ के ढेर है सामने। अब यहाँ से रह गया है कोई 5-6 किलोमीटर सोनमर्ग, तो दिखाएंगे आपको सोनमर्ग, तब तक आप ये एंजॉय करो ये वादियाँ। सोनमर्ग यहाँ से रह गया 4 किलोमीटर, यहाँ से थोड़ा थोड़ा रोड खराब है, मगर व्यू बहुत अच्छा है। तो ये हो गए हैं सोनमर्ग में एंटर। तो सोनमर्ग हो गए एंटर, तो यहाँ से आगे होटल्स, और यहाँ से ये देखो बर्फ, यहाँ ऊपर बैठने का, ये देखो बर्फ क्या प्यारी दिख रही है।
देखो क्या जबरदस्त। तो ये पहुंच गए सोनमर्ग में। आए हाय 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 सदके। ये देखो क्या खूबसूरती है, माशाल्लाह क्या कुदरत है। और ये लोग बैठे हैं नीचे टेंट्स लगा के, मतलब पता क्या व्यू दिख रहा है यहाँ से, आप बस देख के इमेजिन ही कर सकते हो। मगर जो बंदे की फीलिंग यहाँ आके होती है वो आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकता। ये देखो ये जा रही है रोड कारगिल के लिए, और ये है यहाँ का व्यू। मतलब नजारा चेक करो, ये देखो कितना प्यारा कितना खूबसूरत, चारों तरफ से पहाड़ और बीच में ये दरिया। तो मैं आपको पूरा व्यू अच्छे से दिखाऊंगा। ये देखो चारों तरफ से पहाड़, ये देखो पहाड़ी पहाड़, वो ऊपर से है रोड, बाकी होटल्स हैं ऊपर, ये होटल्स है ऊपर, और ये नीचे से यहाँ से लोग हैं। ये देखो पूरा पहाड़ी पहाड़ है, ये देखो। फूटेंगे तेरी खाक से फिर नूर के धारे, जुल्मत कदाए कुफर से उठेंगे शरारे, गूंजेगी अजानों की सदा डल के किनारे, गूंजेगी अजानों की सदा डल के किनारे, फिर जाग उठेगी तेरी सोई हुई तकदीर, फिर जाग उठेगी तेरी सोई हुई तकदीर। यहाँ से ये देखो रेनबो दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा रेनबो। ये देखो कितना प्यारा व्यू, मतलब यहाँ बारिश हो रही है, बारिश रुक रही है। ये देखो मतलब आया हाय 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 क्या जबरदस्त। एक्सप्लेन कैसे करूं मैं आपको अपनी, वो नहीं कर सकता। और ये सामने वाले पहाड़ पे अभी और बर्फ पड़ गई, और कभी धूप निकल रही है कभी बारिश पड़ रही है। ये देखो अब निकल रही है धूप, मतलब आप नजारे देखो यहाँ के, नजारे है क्या हैं। ये है कश्मीर। ये देखो बर्फ अभी अभी पड़ी है, ये बर्फ मतलब पहले थी थोड़ी बहुत ये, मगर अब नहीं पड़ी। ये देखो कितना प्यारी दिख रही है। और ये सामने टनल बन रहा है, और ये है यहाँ से जबरदस्त प्यारी सी खूबसूरत सी वैली। तो ये सामने बन रहा है नया टनल, तो ये सोनमर्ग से पहले है कोई 1 किलोमीटर। और ये देखो सामने बर्फ के पहाड़। तो मसला ये है कि अभी मैं वापस निकल गया हूँ सोनमर्ग से, क्योंकि वहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो क्योंकि कल मुझे जाना है पहलगाम, तो वो सफ़र हो जाता ज़्यादा लंबा, तो उसके बाद तो निकलते हैं आज, देखते हैं कहाँ, या श्रीनगर ठहरूंगा या और कहीं, तो बता दूंगा आपको। तो फ़िलहाल इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म। तो मैं रुका था नमाज़ पढ़ने के लिए, ये पीछे है मस्जिद, तो नमाज़ मैंने पढ़ ली है। तो मिलते हैं अब किसी अगले व्लॉग में, तब तक दीजिए अला दिल को इजाज़त। तो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो,
उम्मीद है कि आपको ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे, तो कमेंट्स में बताओ कि क्या मेरी गलतियां हैं, ये वो सब कुछ बताया करो, और अच्छा लगता है तो तब भी बताया करो। तो निकलते हैं यहाँ से, तो मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक दीजिए अल्लाह दिल को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।